हमारे YouTube चैनल Godlywood Studio को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। ओम शांति। स्पिरिचुअलाइज योर रसोई कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक विशिष्ट मेहमान, आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी। हमें ये बताते हुए हर्ष होता है कि आप वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं और अपनी आयु के 102 वर्ष पूरे कर चुकी हैं। दादी जी इस उम्र के अंदर भी हर कार्य को स्वयं रुचि से करना पसंद करती हैं। दादी जी ने एक दिन हमें कहा कि आज मैं वत्सों के लिए भोजन बनाना चाहती हूँ। जैसे दादी जी ने कहा, उनसे ये पूछा गया कि दादी जी आप क्या बनाएंगे। दादी जी ने कहा कि मैं यज्ञ की शुरुआत में सिंधी कढ़ी और बाबा को साबूदाने का हलवा बड़े प्यार से खिलाया करती थी और अभी मैं वही बनाना चाहती हूँ। दादी जी का इतनी मानसिक जागरूकता का होना आप देखेंगे एक बहुत सुंदर वीडियो के द्वारा कि दादी कितनी तन्मयता से उस भोजन को बना रही हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। एक इंस्टांस मुझे दादी जी का लंदन का भी याद आता है कि दादी जी जब आरंभ में लंदन में गए थे तो बड़े प्यार से बहनों को सेवा पर भेज दिया करती थी और स्वयं उनके लिए बड़े स्नेह से ईश्वरीय प्रसाद के रूप में भोजन तैयार करके रखा करती थी और खिलाया भी करती थी, जिसकी एक झलकी आपको दादी जी के इस वीडियो में भी देखने को मिलेगी। दादी जी, आज आप क्या बनाने जा रहे हो? सिंध में कढ़ी बना रहे, सिंधी कढ़ी। ये तैयार रखा है हमारा। आपने जो बोला है वो सभी तैयार करके रखा है। जो जो सब्जी आपने बोली सब यहाँ तैयार रखा है। अभी आप बताइए आपको क्या चाहिए, फिर वो मैं आपको देती जाऊंगी। मीठी बहन, हाँ। घी या तेल? तेल है। डालो जी। मैं डालो तो? आप डालो। कितना डालना है दादी? बस, हाँ। अच्छा, बेसन? बेसन कहाँ है? दादी यहाँ जीरा भी रखा है। जीरा और ये क्या? राई भी है। ये हींग रखी है यहाँ पर। तो आप बताइए इसमें तेल में पहले क्या? हुरबा है, हुरबा। वो कुकम? जीरा है। ये जीरा है दादी? ठीक है, ठीक। कोई आ जा रहा है जी? ये जीरा है, हाँ जी। बेसन दो, हाँ। हींग डालेंगे थोड़ा? पीछे पीछे डालेंगे। अच्छा अच्छा। बेसन कितना डालना है दादी? आप डालेंगे? कितना डालेंगे दादी? डाल दो। सब सब डाल दो? आप बताइए। आधा डाल दो। मैं ज्यादा डाल दो। अच्छा। मिर्च जी दो तीन काट के डाल रहा जी? है मिर्च कटा वाला जी? मिर्च, अदरक भी है? डालो डालो।
हाँ मिर्च भी डालो। मिर्च भी डाल के आप देखेंगे थोड़ा। हाँ देखा मिर्च डाला। नहीं नहीं डाली है, अभी डाल दूँ? डालो। इसको कब तक उबालना है दादी? उबालो एक है मिर्ची। और पानी चाहिए? हल्दी डाली? नहीं हल्दी नहीं डाली। हल्दी डाल। अच्छा पानी डालना है दादी? हाँ एक है हल्दी। अभी नमक डालो। कितना डालना है? थोड़ा गुड़। हाँ ये दादी गुड़ और इमली है। गुड़ इमली धोया है तो। जी दादी सब तैयार करके रखा है। पानी आ रहा डाला थोड़ा। जी दादी आपने डाला ना? और डालना है थोड़ा? तभी डाल दिया। पहले क्या डालना है? सिंगी बेल डाला। सिंग ये क्या है? भिंडी। ये गज्जर सब डाल दे रहे हैं? हाँ गवार दादी। और ये कद्दू सब डाल देवे। आलू पटेटा बैंगन बैंगन ये सूरन सूरन है। पकोड़ा पकोड़े टमाटर भी है डाल दो। कितना डाल? टमाटर कितना डालना है? डाल दो। कितना डालना है? बस
दादी ये जब तक हुए उबले तो आप साबुदाना का हलवा बनाएंगे? बना कहाँ बनाएंगे? ये जब तक उबले दादी आपकी सिंधी कड़ी ये है घी। पहले घी दो जी दादी। तेल नहीं बनेगा घी दादी। घी है डालो आप। कितना डालेंगे दादी? कितना डालना है? शुरू शुरू में आपने साबूदाना का हलवा सबको बना के खिलाया, आपको याद है? बस साबूदाना कैसा है? कैसा है ना? हाँ शुगर है। हाँ वो लास्ट में ना दादी। हाँ ये पहले आप भूनेंगे? भूने ठहरो थोड़ा पानी गरम रखना। गरम करना है? अच्छा गरम पानी देना जरा। गरम जो पानी गरम करते भूनो भूनो अच्छे से भूनो। आप देखेंगे अच्छा गीता है जी। अच्छा फूल है, बहुत अच्छा फूल गया। केसर ये इलायची है दादी। शक्कर शक्कर है दादी। देखो फूल है। हाँ एकदम फूल गया दादी। देखो कितना फूल गया। देखा शुगर कितनी डालनी है? देखो देखो दादी ये तो लाइट ये अलग है सर। तो शांति कड़ी दादी होने दो। कड़ी बनती रहे बनती रहे अभी। ओके ये इलायची है डाला। हाँ धीमी आग करो धीमी आग करो। नहीं नहीं डाली है आप बताइए कितनी दे?
सिलो करके घुमा, सिलो करके घुमाती रहो। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आज दादी 103 साल की सिंधी कढ़ी बनाया, साबूदाना की खिचड़ी बनाया। आप सभी साबूदाना का हलवा आप सभी भी देख के इससे सीख सकते हो। स्लो है, घुमा दिया। बहुत अच्छा बनवा दादी, बहुत अच्छा बन गया। दादी कैसे पता चले हो गया है? हो गया? नहीं, बन गया? नहीं, सिलो करो। देखो बहुत अच्छा, सभी को एक चिमचम दरा, चिमचम दरा डालो। चिमचम ठीक बना, ठीक बना। ठीक है, थोड़ा अभी गले। जी जी, मिर्च डाला। जी मिर्ची डाला। और ये क्या है? जी ये टमाटर है, ये लाल मिर्ची। लाल मिर्ची क्या है? लाल मिर्ची। दादी सभी जो देख रहे हैं, सभी के मुंह में पानी आ रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है दादी। गल गया दादी। अभी जो भी देख रहे हैं, दादी जैसे कढ़ी बनाना सीख रहे हैं। थरथरा न खाओ। आप सभी ने देखा दादी जी ने कितने प्यार से उस भोजन को बनाया, एक एक चीज डालने के प्रति दादी जी कितनी जागरूक थी। दादी जी ने हमें सिखाया कि कोई भी आप भोजन बनाते हैं तो थोड़ा बनने के बाद इतने ऊंचे परमपिता परमात्मा जिसके साथ हमारे सारे रिलेशंस हैं, थोड़ा चख कर देख लेना चाहिए। क्योंकि घर में भी कोई मेहमान आता है तो भी हम उसे बिना चखे भोजन स्वीकार नहीं कराते हैं। दादी का अगाध स्नेह इतना था सभी के प्रति कि देश और विदेश के सभी भाई बहने उनकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। तभी सभी दिल से दादी जी को कहते हैं कि दादी जी हमारी प्यारी दादी माँ हैं। स्पिरिचुअलाइज योर रसोई में हम इसी प्रकार से आपसे पुनः मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।